नमस्कार दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो शेयर किया था अमरूद के प्लांट के क्या टिप्स, और आज इसकी हार्वेस्ट करूँगा और इसको आपको बताऊँगा कि ये जो पिंक गुआ है, ताइवानी पिंक गुआ, इसकी टेस्ट कैसा है और इसकी इसके काटने के बाद इसकी कलर पिंक है या नहीं है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, मैं दो तोड़ रहा हूँ अभी अभी, दो तीन और है प्लांट में। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, ये लगा है अच्छा, इस प्लांट में भी है अच्छे बड़े बड़े, तो इसको काट के मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्या टिप्स है, संपूर्ण क्या टिप्स है और कौन कौन से वैरायटी है। देखिए, इतने वजन था कि ये टहनी इसकी झुक गया था। ये 200 से 250 ग्राम का होता है एक एक अमरूद, तो आप भी लगाइएगा ज़रूर। और इसको मैं काट के आपके साथ शेयर करता हूँ अभी। चलिए नीचे चलते हैं, इसकी जो अंदर किस टाइप की है वो शेयर करता हूँ। यहाँ देखिए, इस मौसम में खरबूजा भी लग रहा है और काफ़ी साइज़ ठीक है इसके। अब क्या मालूम इसका टेस्ट कैसे लगेगा। इस समय कुछ भटे भी है, वो भी हार्वेस्ट कर लेता हूँ मैं साथ में लगे हाथ एक ही बार में। इसमें छोटे छोटे बारीक बारीक एक वाइट मक्खी है, वाइट फ्लाई जिसे बोलते हैं, ये इसकी पत्तियों को ख़राब करता है। तो ये 10 दिन 15 दिन में आपको कोई भी इंसेक्टिसाइड से इसकी ये करते रहना चाहिए। चलिए, अब गोवा जो है उसकी काट के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ देखिए, टमाटर भी पक गया है, ये भी दो चार टमाटर भी हार्वेस्ट कर लिया जाए। ये देसी टमाटर है और बहुत ही टेस्टी है, ये ऑर्गेनिक है। यहाँ नींबू भी अच्छे बड़े साइज में हो गया है, ये भी हार्वेस्ट करने लायक हो गया है। थोड़ा सा और पीला होने दे इसको, क्योंकि कागजी नींबू है, ये जितना पीला होगा उतना ही रस इसके ज़्यादा बनता है। काट के देखते हैं इसमें। देखिए, इसके कलर ये इस टाइप के हैं, अंदर पूरे पिंक है। ये इस टाइप की है और इसको नमक लगा के देखते हैं इसकी टेस्ट कैसे है, क्योंकि अमरूद मीठा लाना चाहिए और खाते टाइम नमक लगा के खाना चाहिए। टेस्ट देखता हूँ उसको, मीठा है, नमक लगाया तो और अच्छा लग रहा है।